हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं सोयाबीन बड़ी का भेज चिल्ली बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं अरारोट और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाली हूँ और थोड़ा सा मीठा सोडा और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसको तल लूँगी ब्राउन होने तक। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, घर में आप कभी भी बना सकते हैं। ये इस टाइप का ब्राउन हो जाएगा और क्रंची जैसा पूरा। अब मैं इसमें प्याज काटूंगी, टमाटर, लहसुन, मिर्च और शिमला मिर्च। और मैं यहाँ पेस्ट तैयार कर ली हूँ। जीरा है, गोलकी है, धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है और नमक स्वाद अनुसार। इसमें टमाटो सॉस है, चिल्ली सॉस है, ग्रीन चिल्ली सॉस है, सबको मिक्स करके। और एंड में मैं मैगी मसाला भी डालूँगी। अब तेल में इसी में प्याज को भून लूँगी, वो नरम हो जाए प्याज, ऐसा भूनेंगी, ब्राउन नहीं करना है। नरम होने तक इनको भून लूँगी। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च भी डालूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। आप दोनों कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। अब हल्का नरम हो ही रहा है। नरम हो जाने के बाद मैं इसमें शिमला लहसुन और हरा मिर्च डालूंगी। इसको भी थोड़ी देर तक भून लूंगी। उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। इसको भी नरम होने तक भून लूंगी। आँच मैं धीम आँच कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। फिर जो मैं पेस्ट बनाई थी वो मैं डाल दूँगी इसमें, मसाला का जो पेस्ट है, और अच्छी तरह से इसको भी भून लूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज़। मैं नई हूँ यूट्यूब में, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कैसे वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मसाला है सो धीमी आँच में मैं पका रही हूँ। अब मैं इसमें टमाटो सॉस, जो सॉस सारा मिलाए थे वो दे दूँगी। सोया सॉस है, चिल्ली सॉस है, रेड चिल्ली सॉस है, टमाटो है, सबको मिक्स करके एक चिल्ला देती हूँ। और मैं हल्का सा इसमें पानी भी दे दूँगी, ताकि जो शिमला मिर्च है, प्याज है, वो थोड़ा और नरम हो जाए, तो अच्छा लगेंगे खाने में। क्योंकि ये रोटी के साथ है, भेज चिल्ली जो है रोटी के साथ ही अच्छा लगता है, रोटी या पूरी। थोड़ा सा और पानी, हम पानी ऐड करती हैं। छोटा कटोरी से एक कटोरी पानी दे दिया। अब मैं इसमें सोयाबीन को इसमें डाल दूंगी। कितना अच्छा कलर आ गए हैं।
अभी रोटी छत खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ आप लोग को अच्छे लग रहे हो मेरे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं एंड में मैगी मसाला दे दी हूँ तो बच्चों लोग को पसंद आता है। और ये मेरे भेज चिल्ली तैयार हो गए हैं। रोक ना भी। कलर बहुत सुंदर बहुत अच्छे आ गए हैं, आप देख सकते हैं पूरा मार्केट के जैसा ही भेज चिल्ली दिख रही है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।